छतरपुर में 11 वर्षीय बच्चे पर चाकू से हमला हुआ है। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके सिर, गर्दन, पेट और सीने में काफी चोट आई है। परिजन बच्चे को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए झांसी रेफर कर दिया है। घटना शुक्रवार करीब 5:30 बजे नारायण बाग पहाड़िया क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक चोरी की नियत से घर में घुसा था। इस दौरान घर में मौजूद बच्चे ने विरोध किया, जिसके बाद आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। किसी ने उसको मारा है, लखपत खून में मोहल्ले वाले लेके आए, हम तो घर ही नहीं पहुंच पाए, हमें यहीं के यहीं वापस हो गए बाजार से अस्पताल के लिए। कुछ पता चला किसने मारा? नहीं, अभी नहीं पता चला। बता रहा है अरबाज, बता रहा हूँ अरबाज, अरबाज बता रहा, वो अरबाज ने मारा, अरबाज ने चाकू से। कोई बुराई उराई चलती थी? नहीं, कोई बुराई नहीं मेरी, आज तक तू तबा नहीं। इनकी माँ कहाँ है? इसकी माँ खत्म हो गई। इनके पिताजी गाँव में कछु नहीं करा, सो हम लगते हैं बच्चन का। अभी हमें कुछ देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बच्चा आया है जिसको मल्टीपल चोटें हैं कोई शार्प ऑब्जेक्ट की। इमीडिएट हमारी पुलिस की टीम आई और बच्चे का प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कराया गया, उसको अभी रेफर भी कर दिया गया है। बच्चा करीब 12-13 साल का है। इसमें हम अभी बातचीत करके इसमें FIR रजिस्टर करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, आरोपी के बारे में भी कुछ पता लग पाया है क्या? अभी बातचीत चल रही, अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसको जल्दी हम क्लियर कर लेंगे।